नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद है। हम ग्राउंड जीरो से आपको हर एक तस्वीर बताने दिखाने की कोशिश करेंगे और यकीन मानिए, बगैर किसी लाग लपेट के जो दिख रहा है वो आपको दिखाएंगे, ये वादा है। इस वक्त मेरे पीछे आप जो इस नज़ारा देख रहे हैं, ये वो पहाड़ियां हैं जहां पर लेबनान में बेरूत की एक बड़ी पॉपुलेशन, खासकर क्रिश्चियंस जो हैं वो बसते हैं। हालांकि 10 सालों में डेमोग्राफी बहुत हद तक बदल गई है। 10 सालों में हिजबुल्ला को लेकर कहा जाता है कि वो उरूज पर पहुंचा और बाकी सारी चीज़ें पीछे बैकसीट पर जाती रही। आज की तारीख में इसराइल लगातार उन इलाकों पर अटैक कर रहा है जहां पर हिजबुल्ला डोमिनेट करता है या फिर उस इलाके में उसकी पैठ है। और ऐसा ही एक इलाका वहां पर आपको नज़र आ रहा है, दर्शकों को बता देना चाहती हूं, वो इलाका जहां पर आपको कम रोशनी दिखाई दे रही होगी वही अल हदस उस इलाके को कहते हैं। और बिल्कुल बगल ही में लगता हुआ एक और वो इलाका है जहां पर लगातार इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हो रही है, मिसाइल्स दागी जा रही है, उस इलाके को दहीरा कहते हैं। ये वो इलाका है जहां पर बार बार इसराइल की तरफ से अटैक किया जा रहा है। ये मैं बेरूत, स्पेसिफिकली बेरूत की बात कर रही हूं, लेकिन सदन इलाके में जब आप जाएंगे तो चाहे आप नाकूरा कह लीजिए, चाहे आप वो हरफा एक इलाका है उसे कह दीजिए, मजदाल जून करके एक इलाका है, यारीन करके एक इलाका है, हालसा करके एक इलाका है, और फरकीला, ये वो इलाके हैं जहाँ पर और ये क्लस्टर हैं। एक क्लस्टर इस तरफ है, एक तरफ सदर्न साइड में एक क्लस्टर है, एक सीरिया की बाउंड्री से लगता हुआ क्लस्टर है जहाँ पर बार बार हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। और बेरूत में भी अब ये हमले, ये अटैक शुरू हो गए हैं। हमें बार बार ये जानकारी मिल रही है कि जैसे जैसे, देखिए अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 7:53 हो रहे हैं और वहाँ हिंदुस्तान में 2.5 घंटे आगे हैं आप लोग हमसे, और हिंदुस्तान में इस वक्त 10:30 बज रहे हैं, यानी 10:23 हो रहे हैं, और अभी यहाँ पर 7:54 हो रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक प्लान रशिया में बन रहा है ईरान को मदद करने का, एक प्लान अमेरिका में बन रहा है इसराइल को मदद करने का, और ये दोनों जो हैं, ये इनका जो चेस बोर्ड है वो लेबनान है, बेरूत है, आसपास के वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त लगातार हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। लोग जी तो रहे हैं लेकिन डर के साए में, खौफ के साए में। तो रशिया जो कभी ईरान से चिढ़ा करता था, ये दुश्मनी दोस्ती में कैसे बदल गई और कैसे आज दो धड़ों में पूरी दुनिया नजर आ रही है, एक झलक उस पर डालिए। हाथ में रूसी राइफल, जुबान पर इज़राइल के खिलाफ यलगार। मज़े ये उरो वीरान करदे, ज़िंदगी उरो तबाह करदे बीस्ते। और सामने खड़ी हजारों की भीड़, ये इज़राइल को जवाब देने का खामेनेई का अपना स्टाइल, ये अपनी ताकत दिखाने का खामेनेई का अपना अंदाज, ये युद्ध के संदेश को दूर तक पहुंचाने का खामेनेई का अपना तरीका है। दुनिया ने खामेनेई की गरज सुनी, अपनी बात को दुनिया के सामने पहुंचाने के लिए भी खामेनेई ने इमाम खुमैनी मस्जिद का चुनाव किया, जिसकी 1979 की इस्लामिक क्रांति में अहम भूमिका थी। खामेनेई ने जिस बेबाकी से अपनी बात रखी, उससे ये साफ हो गया कि पश्चिम एशिया में भड़की ये चिंगारी शोला बन चुकी है, जो कब ठंडी पड़ेगी ये कोई नहीं जानता। इसी मस्जिद से आई इन तस्वीरों ने अमेरिका के साथ ही इसराइल की खुफिया एजेंसियों की टेंशन भी टाइट की हुई है। CIA,
और मोसाद जैसी खुफिया एजेंसियों के तनाव की वजह है। खामेनेई के हाथ में वो राइफल जो मेड इन रशिया है और इस राइफल का नाम है ड्रैगुनोव। ये एक स्नाइपर राइफल है जो 1 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन पर सटीक निशाना लगाती है। अब सवाल है कि खामेनेई के हाथ में पुतिन की राइफल क्यों? भले ही इसराइल ने नसरल्लाह के दामाद, नसरल्लाह के भाई इस्माइल हानिया, फुआद शुकर को मारकर अपनी लड़ाकू ताकत साबित कर दी हो, लेकिन इस बार इसराइल का पाला सीधे ईरान से पड़ा है। ईरान ने इस बार इसराइल पर पलटवार करने का नया वॉर प्लान तैयार किया है। ईरान की मिसाइलों को देखकर साफ लगता है कि इस वॉर प्लान ने इसराइल और अमेरिका के होश फाख्ता कर दिए हैं। इजरायली मीडिया में कुछ दिन पहले दावा किया गया था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ईरान के साथ चट्टान बनकर खड़े हो गए हैं और पुतिन ने ईरान को जंग करने के लिए परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें भेज दी हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि रूस ने ट्रांसपोर्ट विमानों से दर्जनों परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें तेहरान पहुंचा दी हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर तेहरान ने इनमें से एक भी मिसाइल से इसराइल पर हमला किया तो इसराइल का विनाश कोई नहीं रोक सकता। इन सब के बीच आकर खामेनेई के हाथ में रूसी राइफल ही क्यों थी, इसे समझने के लिए आपको कुछ दिन पहले की ये तस्वीरें देखनी चाहिए। रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और वर्तमान में रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगू जब तेहरान में ईरान की IRGC फोर्स के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मिल रहे थे, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि रूस ने इसराइल ईरान युद्ध में कितना बड़ा खेल कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-76 ने रूस से उड़ान भरी और इसी जहाज ने ईरान के गुप्त ठिकानों पर रूसी मिसाइलें इस्कंदर को पहुंचा दिया। इसके अलावा रूस ने ईरान को उपग्रह नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास की भी मदद दे दी है। रूस की इस्कंदर परमाणु क्षमता वाली मिसाइल कुछ मिनट में ही लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाती है। इस मिसाइल के मिलने से ईरान अब इसराइल में घुसकर कभी भी इस्कंदर मिसाइल से हमला कर सकता है। ऐसा पुतिन ने यूक्रेन में सैकड़ों बार किया है और ये मुमकिन हुआ रूस के उपग्रह नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास से। अब ऐसी क्षमता मिलने से ईरान भी इन मिसाइलों से इजरायल के ठिकानों पर सटीक हमला कर पाएगा। נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. אב סבל אותה है कि रूस ने इतना बड़ा जोखिम लेकर ईरान को परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें क्यों दे दी हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है, ईरान ने यूक्रेन युद्ध में रूस की जबरदस्त सैन्य मदद की है। अब तक ईरान रूस को हजारों रॉकेट, सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन दे चुका है, जिसमें शाहिद और मुहाजर सीरीज के ड्रोन भी शामिल हैं। रूस को ईरानी हथियारों से यूक्रेन को तबाह करने में जबरदस्त मदद मिली है। यहाँ